फ्री में सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर मेकर को और बगल में दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर मेकर में। दोस्तों, यदि आप इस बार सीटेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट 2016 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वन का पर्यावरण अध्ययन। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको सीटेट एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसमें निर्देश पढ़ लें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि सीटेट एग्जामिनेशन के जितने भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो जो है आपको किसी न किसी एंगल से आपको हमेशा सही लगता है। तो सभी ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि सभी सही हैं, लेकिन आपको क्या चूज करना है, सबसे उपयुक्त या फिर सबसे सही कौन है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, इसमें पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारण करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, यह भी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, या फिर इस बात को उभारना कि किस प्रकार समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो ये ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे तब तक पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो आपको जब भी आंसर देना हो तो सबसे पहले आप टोटल ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका सर्वेक्षण के संबंध में, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, यह ऑप्शन भी सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, यह भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, यह भी सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं, 1, 2, 3, 4 या फिर सभी सही हैं, या फिर 1, 2, 3 सही हैं, 1, 2, 4 सही हैं, या फिर 1, 3, 4 सही हैं? इसमें बात करें तो एक सही है, अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा ऑप्शन जो है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करें तो यह उतना सही नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा 1, 2 और 3 नंबर का ऑप्शन सही, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश 63 से 65 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित प्रश्न है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबलने और वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के एक बच्चे द्वारा उत्तर दिया जाता है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या फिर भगवान ने पानी पी लिया। तो ये 63 का है, तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, यह ऑप्शन भी गलत है, बच्चों की सोच गलत है, यह ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, यह ऑप्शन थोड़ा सही है, अच्छा अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। बच्चे को ये पता नहीं है कि वाष्पीकरण क्या होता है, इसलिए बच्चे वाष्पीकरण के बारे में वैकल्पिक विचार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें,
वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। सी ऑप्शन है आपका, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चों के जब तक विचार तक नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए चर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो है बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विभिन्न सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका, क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता। तो यह ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप से लग रहा है। और भी देख लेते हैं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, यह क्वेश्चन नहीं है। जल चक्र का आरेख बनाइए, यह भी बिल्कुल नहीं है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न, यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है, तो ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य इसमें ऑप्शन में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। बी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है। सी ऑप्शन में उत्तराखंड, राजस्थान, ये नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। तो ये ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके लिए आपको मैप से याद रखना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक स्थान के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही मिलान का विवरण, यानी कि सही मिलान करना है आपको। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में, असम में, लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये बी नंबर का ऑप्शन, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या फिर डिजाइन जो दिखाई देते हैं, उनका क्या कारण है। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, प्रवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये सी नंबर का ऑप्शन सही है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण जो होता है वो डिजाइन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो यह जनादेश, पहला ऑप्शन है जंगल, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, बिल्कुल भी नहीं, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार दिया गया है। ये बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इतना तो सबको पता है। और इसमें एक हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, चिकुनगुनिया हो जाएगा इसका, सी नंबर का ऑप्शन, डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया हो जाएगा, जो कि मच्छरों द्वारा ये सब रोग फैले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी पौधा यानी कि नेप्थिस, पहला ऑप्शन भारत में नहीं पाया जाता, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। यह ऑप्शन सही है, क्योंकि घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कि यह दलदली जगहों पर पाया जाता है और कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि यह बहुत ही रंगीन होता है, सुगंधित होता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंधा गोभी, भिंडी और गुड़, और लास्ट ऑप्शन है आपका आंवला, पालक, गुड़। तो ये हो जाएगा इसका 72 का डी नंबर का ऑप्शन, आंवला, पालक और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा में लोह की मात्रा पाई जाती है, तो डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, ये तो सही है। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे, कहां से आए थे। तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से आए थे, जी हां दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे, दक्षिणी अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है।
कैक्टस के पौधे के बीच अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी है सीन मरका फाकता। फाकता एक ऐसा पक्षी है जो कि कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, वो भी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो आपको ये कुछ लाइन दिए गए हैं, कुछ उनके जो है नेचर दिए गए हैं, आपको उस हिसाब से इस पशु का पहचान करना है। तो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के छालों यानी शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित भी रहता है। तो ऐसा पशु कौन सा है? तो ये सी नंबर का हो जाएगा एसलॉथ। एसलॉथ एक ऐसा पशु है जो कि इस नेचर का पालन करता है। यह एक पहली टाइप से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में चार गुनी अधिक दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है? तो ये हो जाएगा आपका सांप, रेशम कीट, ये नहीं होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध जो है बी नंबर का ऑप्शन, यह मनुष्य से चार गुनी दूरी पर रखी वस्तु को आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जब उग जाता है तो उन्हें उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काट करके जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उसी पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस खेती को झूम खेती कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई सपेरा यदि वाद्यंत्र वीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्यंत्र के प्रति अनुक्रिया किस तरह से कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है आपका, उस वाद्यंत्र को सुन करके, बिल्कुल भी नहीं, उस वाद्यंत्र की ध्वनि को सुन करके, ध्वनि तो सुनता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, उस वाद्यंत्र की गति को देखकर, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट ऑप्शन है आपका, उस वाद्यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, 78 का बीन, सांप जो है बीन के कंपन पर, ध्वनि का कंपन के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता उनके बच्चे यानी कि दो बच्चे होते हैं। ये डिफाइन कर चुका है कि परिवार में माँ पिता और उनके मात्र दो बच्चे रह सकते हैं। यह कथन सही नहीं है, बिल्कुल ए नंबर का ऑप्शन है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में परिवार को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह सत्य नहीं है। और डी नंबर का ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट किया करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। यह भी डी नंबर का नहीं हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन पचाने में मदद करता है। तो भोजन ये जो है आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, भोजन पचाने में मदद करता है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे कि नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और करेला, सभी जो है कुछ न कुछ गुण वाले पौधे हैं। यदि कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया कि दवाओं के गुण वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुण रहित पत्तियाँ, इस पर वर्गीकृत किया, और दूसरा विद्यार्थी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है, यानी कि अधिगम की दृष्टि से आकलन के दृष्टिकोण से सही है तो कौन सा प्रतिबिंब जो है शिक्षक के द्वारा जो है आकलित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका,
बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों में कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, जो सही है केवल उसी को सराहना मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, जो तरीका स्पेशल होगा उसी को चूज हो करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है, सही है और तर्कसंगत भी है, यह भी सही है तथा इसकी एक ही सही उत्तर होता है, यह सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे, बच्चों की रुचियों का, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, यह ऑप्शन भी सही है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, यह भी सही है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक बच्चों को रुचिकर लगे, यह भी सही है। तो ये 82 नंबर का ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर का ऑप्शन जो है ये लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये गलत है, बल्कि बाद बाकी सब सही, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ करके वह कथन कौन सा है जो तर्क प्रस्तुत नहीं करता है, उसको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धियों में अच्छा सुधार पर, यह उतना सही है, क्रियाकलाप की वजह से अच्छे अंक ला सके तो यह उतना सही नहीं है। सी का, प्रौढ़ों के समर्थन में से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, यह भी सही है, क्योंकि प्रौढ़ जो होते हैं उनको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, तो उनके ज्ञान से जो है बच्चों को सहायता मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, यह भी सही है। तो 83 का हो जाएगा आपको ये बी नंबर का ऑप्शन, जो कि उतना सही नहीं है, तो इस कथन को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी कथन है वो सभी तर्कसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, इसके लिए हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, निर्धारण और मापनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार किए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो यह तो सही है, गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं होते हैं, पौधे नहीं है, यह भी जो है सही है, पौधे नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, घास पौधा नहीं है, तो कुछ पौधे घास हो भी सकते हैं, यह ऑप्शन भी नहीं होगा, डी नंबर का ऑप्शन है। कुछ सब्जियां फल होती है, हाँ कुछ सब्जियां फल होती है जबकि कुछ सब्जियां फल नहीं होती हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपर्युक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है, तो प्रश्न पूछना, प्रश्न तो पहले पूछ लिए हैं, अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति भी हो गई है, प्रयोग इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, चर्चा भी हो गई है, प्रयोग, ये सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इनमें से चूज करना है आपको कौन सा जो है शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, ये ऑप्शन भी आपका सही है, यानी कि शिक्षक का ये अभिप्राय नहीं है कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों का हम आकलन करें, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना ये सही है, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः रूपांतरण, पुनः प्रयोग का
समझ देना यह विषय, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रियदर्शनी आयोजित करना यह भी ऑप्शन सही है। तो ए नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि शिक्षक यह नहीं चाहते हैं कि शैक्षिक अभिप्राय हम लें, क्योंकि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय ये जो है ये निर्णय लेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजनाओं का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, और लास्ट है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से होगा, पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, यह तो होगा ही होगा, बच्चों का स्व आकलन यह भी होगा, शिक्षकों का स्व आकलन यह भी होगा, लास्ट ऑप्शन है आपका बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ये ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन, बच्चों का भी आकलन होगा और शिक्षकों का भी आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, सही है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जब तक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित नहीं होगी, तब तक बच्चे आसानी रूप से अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पर पशुओं के रंग भरने को कहता है जो कि हमारे घर में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपका सृजनात्मक का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, और तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। तो उपर्युक्त में से कौन सही है, तो सही जो है एक नंबर का तो सही है, दो नंबर का भी सही है, तीन नंबर का वर्गीकरण कौशल का विकास करना यह भी सही है, डाटा संग्रह का विकास करना यह इसमें इसका कोई स्थान नहीं, क्योंकि डाटा संग्रह का विकास करना इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, एक दो और तीन सही है। इस तरह से आज का ये पार्ट समाप्त होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर मेकर के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आप सबके दोस्त भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।